हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राजकोट टैक में। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई 20,000 mAh पावर बैंक, जो कि मैंने अभी हाल ही में जो सेल चला था फ्लिपकार्ट का, उससे मैंने ऑर्डर किया। कितने में ऑर्डर किया सारा सरप्राइज है, आगे वीडियो में मैं सारी जानकारी आप लोग को दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा स्किप मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस चैनल पर आप नए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये मिल जाता है बॉक्स जिसमें है पावर बैंक। तो बैकग्राउंड नॉइज होगा, इसके लिए थोड़ा माफ़ करिएगा। और चलिए खोलते हैं। वैसे तो ये ओपन है, मैंने सारा देख लिया था, क्योंकि आप लोगों को जैसा पता है ऑनलाइन भी फ्रॉड होता है, तो इस कारण से मैंने देख लिया। तो ये एड्रेस और इसमें डिटेल मिलता है, तो इससे आप देख सकते हैं ये सस्पेंस अब टूटने वाला है। 764 में मैंने इस पावर बैंक को ऑर्डर किया, जो कि 20,000 mAh है, जो कि फ्लिपकार्ट स्पेशल यानी कि पावर्ड बाई फ्लिपकार्ट है, स्मार्ट बाई का जो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई, और इधर आप लोग को डिटेल भी मिल जाता है, तो आप डिटेल भी देख सकते हैं कि क्या आप लोग को मिलता है। तो ये इसका प्राइस हो जाता है 2499, आप लोग को प्रिंट मिल जाता है और भी सारी डिटेल है, तो आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। तो सीधे आप पावर बैंक की तरफ पढ़ते हैं और ओपन करते हैं बॉक्स को। तो ओपन करते ही आप लोग को यहाँ पर पावर बैंक दिख जाता है, जो कि एक और नीचे पैकेट है उसमें है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। और पावर बैंक का वज़न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि 20,000 mAh है तो ज़्यादा होगा ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं निकल गया पावर बैंक, और उसके बाद कुछ पेपर वर्क मिल जाता है जिसमें आप डिटेल देख सकते हैं कि इसका क्या इनपुट और क्या आउटपुट मिलता है। इनपुट आपको 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर का मिल जाता है, जो कि टाइप सी और माइक्रो एसबी दोनों में मिलता है, और आउटपुट आपको 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर मिल जाता है। तो ये तो टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगा कि क्या हम लोग को मिलता है। और ये माइक्रो यूएसबी केबल जो मिल जाता है आप लोग को, टाइप ए टू टाइप माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाता है। तो अब पावर बैंक को निकाल लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का लोगो भी जो स्मार्ट बाई का होता है वो है। यहाँ पर आप लोग को दो पोर्ट मिल जाते हैं, टाइप ए दो का, और एक टाइप सी और एक माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है। और देख सकते हैं कैसा बिल्ड फिनिशिंग है, और मैं आप लोग को चार्जिंग भी दिखा देता हूं कि इसका क्या चार्जिंग आप लोग को मिलता है, कैसे चार्ज होता है। तो स्मार्टफोन से तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं आप लोग को छोटा वाला फ़ोन में ही आप लोग को दिखा पाऊंगा। तो आप लोग सपोर्ट करो, तो एक फ़ोन भी लूँगा आप लोग की कृपा से, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। तो देखिए दोस्तों, पहले टाइप ए को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं पावर बैंक के, और उसके बाद फ़ोन में हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो देखते हैं चार्जिंग उठाता है कि नहीं। अभी सस्पेंस है क्योंकि मैं फ़र्स्ट बार ट्राई कर रहा हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद हाँ चार्जिंग तो उठा लिया दोस्तों, जैसा आप लोग देख सकते हैं चार्जिंग लोगो आ गया है ऊपर में, तो जियो स्मार्टफोन में होता है। और उसके बाद निकाल लेते हैं, तो चार्जिंग लोगो हट गया, और फिर एक बार और ट्राई करते हैं लगा के, ताकि और कंफर्म हो जाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ दोस्तों, चार्जिंग लोगो उठा चुका है, तो इसका मतलब सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का जो ये पावर बैंक है, मैं इसका प्रॉपर रिव्यू लाने वाला हूँ, जिसमें आप लोग को मैं बताऊँगा कि कितना देर लगता है इसको चार्ज होने में, और कितना लगता है इससे फ़ोन को चार्ज करने में, जो कि 4000 mAh नॉर्मली सारे फ़ोन जो अभी आते हैं। तो ये सारा प्रॉपर रिव्यू मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बनाऊँगा। और हाँ दोस्तों, मैं नॉर्मल चार्जर से भी इसको चार्ज करके देखूँगा कितना टाइम लगता है, और फास्ट चार्जर 20 वाट के चार्जर से भी मैं इसको चार्ज करके देखूँगा। तो ये सारा जो आप लोग का मतलब वीडियो है वह सस्पेंस है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे इस वीडियो को देखने के लिए और एंजॉय देखने के लिए और सारी जानकारी को जानने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेट्स गो।